Moving on to the other big story, it seems, and there are indications for a big push for Vedic and ancient education system in our modern schools. While addressing the Virat Gurukul Sammelan in Madhya Pradesh, Education Minister of our country, Prakash Javrekar, hinted that soon the centre will revamp the education system and inculcate Vedic and Gurukul style of education to bring about some improvement in a holistic way of giving education. लेकिन समूह जीवन कैसे चले, विश्व बंधुत्व कैसे चले, कारोबार कैसा चले, ये भी चर्चा है। और वेदों में द्वैत अद्वैत का भी चर्चा है, व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि, इसका कैसे तादात्म्य है उसका भी वेदों में वर्णन है और वही अध्ययन है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक ये आज का जो विशाल गुरुकुल सम्मेलन है, आप जरूर सुझाव दीजिए मुकुल कालिकर जी, 3 दिन आप बैठोगे चर्चा करोगे, हमें कॉन्क्रीट सुझाव चाहिए। हम सभी प्रकार की शिक्षा अच्छे तरह से, जिससे नागरिक देश के लिए अच्छे बनेंगे, ऐसी शिक्षा को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आज के शिक्षा नीति में भी क्या बदलाव हो, बहुत सारे सुझाव आए, उस पर अभी अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 1 महीने में आ जाएगा, और शिक्षा की नई शिक्षा नीति भी 2 सप्ताह में आए 2 महीने में आ जाएगी देश के सामने। जीवन मूल्य परंपराएं हैं, हमारा दर्शन है, उसके अनुरूप अगर शिक्षा देने का हम प्रयास करेंगे, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम आधुनिक विज्ञान की शिक्षा ना दें। उस समय भी विज्ञान बहुत उन्नत था, और इसलिए हमारा दर्शन, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी शिक्षा पद्धति में सम्मिलित हो। और जब अपने दर्शन की बात हम करते हैं तो भारतीय दर्शन क्या है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, सिया राम में सब जग जानी, सब एक बराबर है, एक ही चेतना सब में है, ये भारतीय दर्शन है।